सोशल मीडिया पर रेलवे प्लेटफार्म पर रानू मंडल द्वारा गाया गया एक गाना एक प्यार का नगमा है खूब वायरल हुआ था। देखते ही देखते ये महिला रातों रात स्टार बन गई है। जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरे मेरी कहानी है। रानू के प्रतिभा को पहचान मिल चुकी है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता एवं म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया ने अपना वादा पूरा करते हुए रानू को अपनी एक फिल्म में गाने का मौका दिया है। एक रियलिटी शो में भी नजर आने वाली है। आज जब शोहरत मिली तो 10 साल बाद बेटी भी मिलने पहुंच गई। रानू की कहानी सुनकर किसी की आंखों में भी पानी आ सकता है। एक समय ऐसा था कि गरीबी और भुखमरी की वजह से रानू को स्टेशन पर ट्रेनों में भीख भी मांगनी पड़ी थी। परिवार के सभी लोगों ने रानू का साथ छोड़ दिया था, इसलिए वे दर बदर भटकने को मजबूर थे। वेस्ट बंगाल में जन्मी रानू मंडल ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। इसके बाद अपने मौसी के यहाँ रहने लगी थी। 19 साल की छोटी सी उम्र में ही उनकी शादी भी हो गई थी। आज रानू मंडल ने यह साबित कर दिया कि अगर काबिलियत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है।